बाद भी ये सोचा गया कि भाई इन सब चीजों को तो वो देखते ही हैं, लेकिन जब कार्यक्रम होगा तो बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से लोग माने, और जो भी विपक्ष में है उनको पूरा का पूरा अधिकार है अपनी बात बोलने का, सबको अपना अधिकार है, और कोई सत्ता पक्ष में भी है तो हाउस जब चलता है तो प्रश्न पूछने का अधिकार उनको है। अब वो बात है कि सरकार का बिल है, सरकार का कोई चीज है, मामला है, तो एक बात अलग है, रूलिंग पार्टी के लोग उसका समर्थन करते हैं, लेकिन हर सदस्य को ये अधिकार है कि अपना पूरा, वो जनता उनको चुन करके भेजती है, लोगों की बड़ी अपेक्षा रहती है कि हमारे इलाके के बारे में सब तरह की बात को देखें। और आप जान लीजिए कि चुने जाते हैं तो एक विधानसभा क्षेत्र से या कोई विधान परिषद, कहीं कहीं कई क्षेत्र हैं जिससे चुने जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अगर विधानसभा के सदस्य चुने गए तो सिर्फ अब एक सदस्य, एक क्षेत्र के तो प्रतिनिधि हैं ही हैं, लेकिन उनका दायित्व तो होता है, पूरे राज्य का दायित्व तो हो जाता है। एक राज्य की तो अपने क्षेत्र की तो सोचना ही है, लेकिन पूरे राज्य का दायित्व तो हो जाता है। और उसी तरह से जो लोकसभा में जाते हैं वो एक क्षेत्र से चुन करके जाते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में सोचना, अपने राज्य के बारे में सोचना तो है, लेकिन वो पूरे देश के लिए जाते हैं। तो हर चीज के बारे में इन सब चीजों को जानना और कैसे किसी भी चीज को हाउस में करना चाहिए, और हाउस में तो पूरी बुलंदी से करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, और हाउस के अंदर कोई किसी तरह से बात करने में किसी को कोई दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पहले दिन से ही अपना सब चीज का उपयोग करते हुए अपनी बात को पूरी गंभीरता से रखना चाहिए, और ये सबसे बड़ी बात है कि और ठीक ढंग से अगर किसी बात को रखिएगा उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और सबको अधिकार है अपने इलाके के बारे में बोलना, उनको जो लगता है राज्य के हित में कैसे और बेहतर ढंग से क्या कह सकते हैं जिसका लाभ सब लोगों को होगा, तो ये उनको कहना चाहिए। लेकिन कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष में तब विपक्ष को तो भाई अधिकार है ही ना पूरा बुलंदी के साथ बोलने का, तो इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन काम जरूर करिए। किसी किसी बात को लेकर के कुछ विवाद आता है वो अलग बात है, लेकिन वो तो एक मामूली सी बात है, असली चीज तो है कि सब लोग अपनी जो बात रखते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का हमेशा याद रखिएगा। और आज आप सुन ही रहे थे, और चर्चा का स्तर कुछ और ही है, बिहार की जागरूक जनता सक्रिय और प्रगतिशील, गली कुचे मोहल्ले में लोगों के बीच आम वार्ता में भी उत्साह है और परिपक्वता है। इस राजनीतिक संस्कृति का श्रेय बहुत हद तक हमारे ऐतिहासिक संस्थानों को जाता है। आज के समारोह में मैं सबसे पहले बिहार की जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे संस्थानों में भरोसा बनाए रखा, बढ़ चढ़ करके राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लिया और जवाबदेही मांगी है। आज के दौर में यह भी कहना पड़ेगा कि जनता ने संस्थानों में जितना विश्वास दिखाया है, हमारे संस्थान बहुत हद तक लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, अनुत्तरदायी होते जा रहे हैं, खास तौर से उनके लिए जो समाज में लोग हाशिए पर हैं। इस फासले को कम करना राजनीतिक नेतृत्व की प्राथमिकता जिम्मेवारी है। 5 साल में वोट देन लेन से पड़े हमें सोचना होगा कि कैसे सार्वजनिक और राजनीतिक रूप से संस्थाओं में एक खुलेपन और संस्कृति स्थापित की जाए। लोकतंत्र और इसके मूल्य हमारी भाषा और भाव में भी झलकना चाहिए। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज चुनाव के दौरान कितनी नफरत और घृणा परोसी जाती है और इसका समाज में कितना गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है। आज यह बात भी आम सरोकार है कि राजनीतिक संस्थाओं या तो कमजोर की जा रही हैं, नियम विनियम मानदंड मर्यादा
के तकाजों को ताक पर रख उनकी बाहें मड़ोरी जा रही है। यह जनतंत्र के लिए खतरनाक है। जनतंत्र में संतुलन होना जरूरी है। विधानमंडल में जनता की शक्ति, जनता की मर्जी, जनता की अभिलाषा बसती है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।